अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, रमज़ान शरीफ की आमद आमद है, तो इस सिलसिले में हम आपके लिए लाए हैं बेकिंग चिकन बनाने का नया और आसान तरीका, जो बहुत हेल्दी और मज़ेदार बनता है। इसमें आयल भी नहीं पड़ता है और बहुत टेस्टी और कम खर्च में बन जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमने इसको कट लगाया है। 1-2 चम्मच हमने इसमें केचप डालेंगे, लहसुन अदरक 1 चम्मच, आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्ची और थोड़ा सा सोया सॉस। तो दोस्तों, ये आधी कप हमने सुरका ले लिया है, अंगूरी सुरका सफ़ेद वाला। ये इस केचप में हम डालेंगे, अब हम इसको इसमें 1 चम्मच काली मिर्ची, आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसके ऊपर मसाला लगा देंगे। मसाला लगा के हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये मसाला जज़ब कर ले। अब इस तरीके से थोड़ा सा सोया सॉस और बाकी जो बचा हुआ है आधा कप में सरका, वो मिक्स करके और इसको ऊपर डाल देंगे। ये इस तरीके से हाथ से इसको लगा देना है केचप के साथ थोड़ा सा। अगर आपके पास अवन है तो आप उस अवन में बेक कर सकते हैं इसको, अगर नहीं तो पतीले में कर सकते हैं। हम आज आपको पतीले में बनाना सिखाएंगे, हंडी में बनाना सिखाएंगे। ये इसके ऊपर हमने मसाला दे दिया है, ये जितना भी मसाला हमने बताया है, ये एक मुर्गी साबित मुर्गी का था, तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी थी, उसके हमने 4 पीस कर लिए थे। अब इसको हम लपेट के इस तरीके से लपेटेंगे कि इसकी बाफ बाहर नहीं जाए। ये आप देख लें दोस्तों, अब हम सबसे पहले पतीले में नमक डालेंगे, ये आप देख लें। नमक, ये आप देख लें, नमक हमने नीचे नमक रख दिया है, इसके ऊपर हम कोई से भी बर्तन रख देंगे। आप चाहें तो स्टील की प्लेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने ढकना इस्तेमाल किया है। अब हम इसके ऊपर ये चिकन रख के अखबार दे के हम इसको दम पे चढ़ा देंगे। तकरीबन तैयार, 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाता है। अगर ज़्यादा गलाना हो तो इसको 45 मिनट तक इसको पकाना चाहिए, हल्की आंच पे रखना चाहिए। फिर अगर इसको बिल्कुल खुश्क करना है तो आंच तेज़ कर देनी चाहिए। दोस्तों, अब थोड़ा सा हम इसको चेक करेंगे, ये माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, ये आप देख लें, हमारा बेकिंग चिकन तैयार हो गया है। तो हम अब इसको निकालेंगे। तो दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबा देना, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नई और वीडियो में,
तब तक के लिए अल्लाह निगाहबान।